तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की करते हैं। मैंने तीन गाड़ी डिस्प्ले की है, ये आपके घर वालों को सुनिए प्लीज, बस वो तीन है दिस, बस बस फिनिश। यू टोल्ड अस नो नो यू टोल्ड अस वी डोंट आफ्टर दिस मीटिंग विल वेट तीन ओके थैंक यू वेरी मच बाय बाय। देखो जी तुम लोगों की इज्जत है, ये देखो जी तुम लोगों की क्या इंसल्ट की है और जर्मन मिनिस्टर ने कि उन्होंने कह दिया कि ना तो बैक चेक होगा और वो वापस चली जाएंगे बिना मिले ही, और फिर तुम लोगों को करना पड़ा कि जी ठीक है आप बैक चेक मत करवाइए आप चली जाइए। आपको लगता है हमारे मुल्क के अंदर कोई इंसान का बच्चा है? सब गधे के बच्चे हैं, सब कुत्ते के बच्चे हैं। हम आपको खैरात देते हैं, हम आपको पैसे देते हैं ताकि आपके मुल्क में स्कॉलरशिप आए, हम आपको मदद करते हैं और आप हमें कहते हैं कि बैक चेक करो, आपकी ये जरूरत? वो नॉनसेंस है, बेवकूफ लोग हैं जो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा नहीं सकता है, वो कैसा अपना डीप थिंक करेगा? उनकी भी ऐसी हरकतें नहीं है जैसे हमारी है। एक मिनट, हम लोगों ने हुक्मरान चुना है, आप लोगों को इस पोजीशन पे बिठाया है, पाक सरजमीन जिसके हम नारे लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके किक चीज, ये इज्जत है हमारी, ये हमारी पोजीशन है, कहाँ स्टैंड करते हैं आप? जो ये हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल जो वीडियो या रिपोर्ट हुई है वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप बैग चेक करवाएं, तो ये जो जर्मन मिनिस्टर हैं ये कहती हैं ओके टाटा बाय बाय, ओके जी बाय बाय, उसने कहा खली वली बढ़ गई थे गोली मारे हमने बात ही नहीं करनी शबाश। मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा इंडिया और पाकिस्तान एक ही शहर एक ही मुल्क था राइट, तो क्या हुआ कि उधर इतनी वो उन उसमें क्यों नहीं है, आगे निकल गए, वो आगे कैसे निकल गए और हम पीछे कैसे? यार पाकिस्तान वालों का तो ऐसे ही बुरा हाल हुआ पड़ा है और रही कसी कसर जो है इसका जो सिक्योरिटी वाला है उसने पूरा कर दिया। जर्मन की एक मिनिस्टर आई हुई थी इसके पीएम से मिलने के लिए और वो $24 मिलियन का इसको भीख भी देने वाली थी, लेकिन उसका जो सिक्योरिटी था उसने बोला मैडम आप प्लीज अपना पर्स चेक करवाइए तभी आप अंदर जा सकती है। जर्मन मिनिस्टर ने बोला मुझे पर्स चेक नहीं करवाना है, टाटा बाय बाय बोल के वो चली गई। फिर ये पाकिस्तानी उसके पैर पकड़े, उसका पीएम खुद आया और उसको अंदर लेके गया। मतलब ये औकात है पाकिस्तानियों की। देखिए पहले इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। जो बाहर से लोग आते हैं या जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। प्रोटेस्ट के बड़े अच्छे अच्छे स्टाइल होते हैं, अच्छे अंदाज से भी प्रोटेस्ट किया जा सकता है। और दूसरा ये भी है कि अगर आपने प्रोटेस्ट करना है आप सिर्फ प्ले कार्ड्स लेके खड़े हों, आप अपना वो करें। वेस्ट के अंदर भी प्रोटेस्ट होते हैं, मैंने देखा है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कई दफ़ा स्पीच दे रहे थे तो वहाँ पे कुछ लोग थे वो उठे, उन्होंने शोर डाला, अपने बैनर्स उठाए और वो उनको बाहर निकाल दिया गया। दिस इज़ अ गुड वे। तो अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी ने कभी जो है उस पर फॉरेन सेक्रेटरी स्टेट ने कभी इस पर शोर नहीं डाला। जर्मन फॉरेन जो एम्बेसडर वो भी थोड़ा अगर पेशेंस दिखाते और उस तरह ना पेश आते तो इट वुड नॉट हैव बीन अ केस, इस तरह के सिनेरियो क्रिएट ना होता। और जो यूथ है वहाँ पे अगर उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना था तो इस अंदाज से प्रोटेस्ट करते कि सारी की सारी जो गैदरिंग है वो मुतासर ना हो, ठीक है, या वहाँ पे शोर ना डाला जाए क्योंकि आपके फॉरेन गेस्ट बैठे हुए अच्छा नहीं लगता। सो लगते मुझे ऐसे नजर आ रहा है कि पाकिस्तानियों के अंदर अब पेशेंस कम होता जा रहा है। एक तरफ आप देखें ये जो एम्बेसडर जो मिनिस्टर साहब आई थी वो उनकी मैं पढ़ रहा था जी कि वो पाकिस्तान को जो है वो फॉर एग्जांपल जी $24 मिलियन एड देते हैं जी, ठीक है जी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स सस्टेनेबल एनर्जी के वाले से का। इसी तरह वहाँ पे जो जर्मन पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी आते जाते हैं, ख्याल करते हैं पाकिस्तान का। कंट्री का कोई मिनिस्टर अगर गलती से रास्ता भूल कर पाकिस्तान आ जाए और वो चला जाए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मिलने और अगर उन्हें ये कह दिया जाए कि जी आप हमें अपना बैग चेक करवाइए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, आप अपना बैग यहीं पे छोड़कर और फिर आप अंदर ऑफिस में जाइए, तो वो साफ मना कर देते हैं कि ना तो हम बैग चेक करवाएंगे और ना ही बैग को यहाँ छोड़ के अंदर जाएंगे, मिलना है मिलो नहीं मिलना मत मिलो। अब जाहिर है कि जब ये मिनिस्टर साहिबा आ रही थी तो शहबाज शरीफ साहब ने इनसे कुछ इन्वेस्टमेंट की बात ही करनी होगी, शहबाज शरीफ साहब ने इनसे कुछ प्रोजेक्ट्स लगाने की बात करनी होगी और यही कहना होगा कि जी पाकिस्तान की मदद कीजिए, पाकिस्तान को आपकी मदद की जरूरत है। इसी किस्म के जो वो शहबाज शरीफ साहब के तो काफी वीडियो भी वायरल है जिसमें वो कहते हैं कि जी मैं आया तो हूँ लेकिन मैं मांगने नहीं आया, लेकिन आप लोगों को यही लगेगा कि शायद मैं मांगने आया हूँ। तो इसी किस्म की बातें शहबाज शरीफ साहब ने करनी होगी,
लेकिन खैर वो ये बातें कर नहीं पाए और उसकी वजह भी यही मेरे ख्याल से समझी जा रही है कि क्योंकि बार बार हम यही कहा करते हैं तो इसलिए हमारी अब कोई इतनी रिस्पेक्ट रही नहीं है कि इनसे अगर मिल भी लिया तो उन्होंने पैसा ही मांगना है और पैसा वापस भी नहीं करना। और उसके बाद पीछे जो ऑफिशियल थे वो कह रहे हैं मैम 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 वो जिसका लेला नहीं मैम मैम कर रहा होता मैम मैम वापस आ जाए, और ये तकब्बुर के साथ पीछे मुड़ी, इसके चेहरे पर मीसनी मुस्कुराहट है और ये फिर मिलने गई शहबाज शरीफ साहब से। वो जर्मन ये जो वजीर ने किया ये शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं है, ये इस 25 करोड़ आबादी के मुल्क के साथ है। हमें सोचने की जरूरत है कि हम क्यों इतने ज्यादा पतलूने उतार कर लंबे लेट गए, हम क्यों इतने ज्यादा गिर गए कि एक मिनिस्टर हमारे मुल्क में आकर एक न्यूक्लियर स्टेट 25 करोड़ आबादी के गैरतमंद दिलेर बहादुर लोगों के मुल्क में आकर जिस मुल्क का एक जबरदस्त तगड़ा ओवरसीज डायस्पोरा है, जिस मुल्क के अंदर नौजवान है पढ़े लिखे लोग हैं, जिस मुल्क की एक तगड़ी दुनिया के अंदर एक फौज है, जिस मुल्क का एक किरदार रहा है, जिस मुल्क के स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज है, जिस मुल्क का नौजवान पेरिस ओलंपिक्स के अंदर कम रिसोर्सेज के बावजूद भी गोल्ड जीत कर आया हो, जिस मुल्क की हीरोज ने दुनिया भर में कंट्रीब्यूट किया हो, जिस मुल्क की एक शिनाख्त हो, इस्लामी ममालिक के अंदर सबसे बड़ी एक मिलिट्री माइट और बल्कि एक न्यूक्लियर स्टेट वाला मुल्क हो, उस मुल्क के साथ ये क्या हमने कर छोड़ा है कि एक मिनिस्टर हमें जूते की नोक के ऊपर लिख रही है, एक मिनिस्टर ये कह रही है कि जनाब ओके टाटा बाय बाय। कहां पर ये बेइज्जत नहीं हुआ है, चाहे यूएई हो उसका इस्लामिक देश है, वहां पर भी सबसे ज्यादा भिखारी काउंट किया गया तो उसमें 90% जो भिखारी था वो पाकिस्तान का पाया गया, बांग्लादेश का पाया गया। सऊदी अरेबिया जो कि इसका बाप है वो बोलता है कि हमारा बाप है क्योंकि वहीं पर हमारा सब कुछ है, वो जब ऑर्डर देगा तभी हम कुछ करेंगे, उसने भी इसको लात मार के घर से बाहर निकाल दिया है। अमेरिका रूस चाइना मतलब जिस जिसको इसने अपना बाप बनाया है वो सब इसको लात मार के वापस भेज चुका है, क्योंकि ये इतना निकम्मा बेटा है कि जिससे भी अपने पापा से पैसे लेता है आज तक लौटाता नहीं है। पैसा देते समय बोलेगा पापा पापा प्लीज़ मुझे दे दो प्लीज़ मुझे दे दो, और जैसे ही उसका पापा इसको देता है पैसा, ये इतना बेगैरत है इतना निकम्मा है कि आज तक अपने बाप का पैसा इसने नहीं लौटा है। इसलिए सबने इसको पैसे देने से मना कर दिया कि अब मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाला हूं, और जो ये 24 मिलियन डॉलर जर्मन की जो मिनिस्टर आई थी वो देने वाली थी उसने भी मना कर दिया कि भाई जैसी तुम्हारी हरकत है अब मैं तुम्हें एक चवन्नी भी नहीं देने वाला हूं, अब तुम्हें जो भी करना है जो उखाड़ना है उखाड़ लो लेकिन एक रुपए तुम्हें नहीं मिलेगा। तो यही असली चेहरा है पाकिस्तानियों की, मतलब आप समझिए ना कि एक मिनिस्टर है वो एक कंट्री की मिनिस्टर है और तुम्हारे पीएम से मिलने आई है, वो भी बुलाने के बाद आई है, और तुम उसका पर्स चेक कर रहे हो, उसका पर्स चेक कर रहे हो जैसे कोई आम आदमी हो, उस तरीके से उसका पर्स चेक किया जा रहा था। आप इन पाकिस्तानियों की हरकत पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जय श्री राम।